क्लास ले रहे हैं बिल्कुल। दोस्तों टारगेट स्टडी एक्यू में आप सभी का मैं सौरभ गुप्ता तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दें। अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही हो ठीक है, आई होप मेरी वॉइस आप तक क्लियर जा रही है। देखिए सभी लोग जानते हैं कि आरओ एआरओ की वैकेंसी बिल्कुल सामने आपको दिख रही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। देखो आज है 25 तारीख, 25 सितंबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आरओ एआरओ की वैकेंसी हर हाल में आ जानी है, जिसके बाद में ये एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास में होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से आपके पास में मुश्किल से मुश्किल 4 महीने का समय बचा हुआ है, और इस बचे हुए 4 महीने में अगर आप आखिरी के समय में मेहनत कर लेते हो तो फिर आपका 100% इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आखिरी के समय में चाहे पूरे साल मेहनत कर पाए हो अच्छे से, चाहे ना कर पाए हो, आखिरी के समय में अगर आप टाइम से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाएंगे तो हमने मंथ वाइज टॉपिक वाइज एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में मंथ वाइज आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है अपॉइंटमेंट एंड पर्सन इन न्यूज़ एंड फेमस पर्सन। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस आपको देखने हैं, क्योंकि सारे वीडियोस को टॉपिक वाइज करवा दिया गया है, इस वजह से आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लेना। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसे माइक्रोसॉफ्ट भारत और दक्षिण एशिया के नए कॉरपोरेट उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अपॉइंटमेंट से 3 क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, आर ओ आर ओ में लगभग 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनीत चंदोक। ठीक है, पुनीत चंदोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपॉइंट कर दिया है पुनीत चंदोक को लीड इंडिया ऑपरेशन। याद रखो जब भी कोई इंटरनेशनल कंपनी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भारतीय को किसी बड़े बड़े पद पर बिठाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखोगे। साथ ही साथ में माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स, इसका मुख्यालय अमेरिका में है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ का नाम है सत्य नडेला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ का नाम है सत्य नडेला। क्वेश्चन बनेगा किस भारतीय अमेरिकी महिला को, फिर से वही चीज़ आ गई कि किसी भारतीय को किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई पद मिला है वो सब कुछ, सॉल्ट लेक सिटी फील्ड कार्यालय के नए विशेष एजेंट प्रभारी, इंग्लिश में इसको देखो क्या कहते हैं, न्यू स्पेशल एजेंट इंचार्ज ऑफ द सॉल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिसर के रूप में किसे चुना गया है। तो आंसर देखो इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपके तरीके से मिल रहा है, सोहनी सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी, सोहनी सिन्हा, ये इनका फोटो हो जाएगा। सोहनी सिन्हा को हाल ही में इसके लिए अपॉइंट किया गया, ज़्यादातर बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव, यानी कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर, तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तनु सिंह, पवन, शिवानी कश्यप, ममता रागनी, विपिन, लगभग सभी के आंसर मुझे मिल रहे हैं। राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है राजीव गाउबा। जो लोग रोहित आंसर दे रहे हैं गलत है, मनीष शर्मा, मनीष शर्मा गलत है, उमेश जालान गलत है, राजीव गाउबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजीव गाउबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ कि सेंटर गेव्स कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाउबा 1 ईयर एक्सटेंशन। एक्चुअल में इनके कार्यकाल को हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक
ठीक है, 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को हाल ही में बढ़ा दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो ये सबसे लंबे समय तक काम करने वाली कैबिनेट सेक्रेटरी इस वजह से बन पाए हैं क्योंकि अब तक इनके कार्यकाल को 2 बार विस्तार मिल चुका है। पहली बार 2021 में एक्सटेंशन मिला था, इसके बाद में अब 2023 में भी इनको एक बार फिर से एक्सटेंशन मिल गया है। ठीक है, तो राजीव गाउबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में आप एक चीज़ याद रखें कि वर्तमान में कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, उसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रखना, अलग से पूछा जाएगा कि बताओ जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है उसके अध्यक्ष इस समय कौन है, तो नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन बनेगा, टेस्ला कंपनी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ एक फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका की कंपनी टेस्ला में किसी भारतीय को इतना बड़ा पद दिया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा वैभव तनेजा। वैभव तनेजा ऑप्शन नंबर बी, वैभव तनेजा बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। और जिन लोगों ने अभी भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ करके कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें तो आपको इसी तरीके के शानदार वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वैभव तनेजा इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनको टेस्ला कंपनी का CFO बनाया गया है। ठीक है, टेस्ला कंपनी का CFO बनाया गया है। वैभव तनेजा का फोटो देख सकते हैं जिनको टेस्ला, ये देख सकते हो टेस्ला कंपनी का CFO, टेस्ला का CFO इनको बनाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, हुन मैनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पिछले साल की बात है, एक बहुत पुराना क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक देश था, अभी उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है, अजीब सा देश था, मतलब कोई बहुत फेमस कंट्री नहीं था, उसके प्रेसिडेंट का नाम पूछा गया था, पिछले साल की बात है। यानी कि RO में इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि किसी देश का नया प्रधानमंत्री बनाए, कोई प्रेसिडेंट बनाए, वो पूछा जा सकता है। तो आंसर इसका हो जाएगा कंबोडिया, और लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है, कंबोडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंबोडिया के किंग ने अपॉइंट कर दिया है हुन मानेत को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, नए प्राइम मिनिस्टर वहाँ के अपॉइंट किए गए हैं। पैटर्न के हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% फंसेगा भाई। पिछले साल तक अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो इस बार भी 100% है कि उस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाना है। ठीक है, तो आंसर देखो, कंबोडिया देश के बारे में देखो, कंबोडिया चूँकि चर्चा में रहा है इस वजह से इसकी कैपिटल करेंसी, इसकी भाषा, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। तो कंबोडिया की जो कैपिटल है वो है नोम पेन, वहाँ की जो मुद्रा है वो है कंबोडियाई रियाल। ठीक है, वहाँ की जो भाषा है वो है खमेर, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ की जो कैपिटल है वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किसे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RO के लिए। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको अपॉइंट किया गया है, तो रवि ज्योति वर्मा, सुदीक्षा सिंह, सुमित करण, सुमित सिंह, प्रीति प्रभाकर, निशी किरण, दीक्षा सोनकर, अपर्णा सीमा, अंशिका शिल्पी, राघवेंद्र रोली वर्मा, लगभग सभी के आंसर हमें मिल रहे हैं। तो संजय कुमार अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना, मुझे ऐसा लगता है कि 100% अगर पेपर बना तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो गवर्नमेंट अपॉइंट्स संजय कुमार अग्रवाल
एज न्यू सीबीआईसी चेयरमैन। इसको याद रख लो कि सौरभ सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलने वाला है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, उड़ीसा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर देखो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सुभाशीष तलपात्रा। इनका नाम थोड़ा अजीब सा है, इस वजह से आपको याद भी रहेगा, तलपात्रा, बहुत कम ऐसा नाम आप सुनते होंगे, तो सुभाशीष तलपात्रा, ठीक है। और ये उड़ीसा के 33वें नंबर के चीफ जस्टिस बनेंगे उड़ीसा हाई कोर्ट के, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखो क्या बनेगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी 16 अगस्त 2023 को मनाई गई है? 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? स्वाति, सुगंधा, नेहा, तनु, करण सिंह, लगभग सभी के कमेंट्स में देख सकता हूँ, रजत पांडे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर 1924 से 16 अगस्त 2018 और इस बार देखो 5वीं, फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मनाई गई है, ठीक है। साथ ही साथ में 25 दिसंबर को जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस होता है उस दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस को। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर MD के रूप में अपॉइंट किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका हो जाएगा आर दोराई स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा है आर दोराई स्वामी अपॉइंटेड LIC मैनेजिंग डायरेक्टर बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। साथ ही साथ में चूंकि LIC की बात चली है तो LIC के बारे में भी देख लो, LIC के अध्यक्ष का नाम है सिद्धार्थ मोहंती, स्थापना 1956 में, मुख्यालय मुंबई में है, और लगभग सभी ने इसका आंसर सही दिया है, पवन, अपर्णा, अभिषेक, अमन, विकास, कंचन, सुमित, सोली, विनीता, शिल्पी, श्वेता, लगभग सभी का सही आंसर जा रहा है। चलिए, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे सेबी के होल टाइम मेंबर्स के रूप में अपॉइंट किया है, फुल टाइम सदस्य? राघवेंद्र उपाध्याय, नेहा सिंह, रवि, पवन, शिल्पी, सदफ खान, सदफ गरिमा, संगीता, अंशु, विकास, तनु सिंह, ज्योति मिश्रा, आरती सैनी, विपिन कुमार, ज्योति दीक्षित, ज्योति वर्मा, ममता, सबके आंसर दे सकता हूँ, तो ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमलेश वाशने और अमरजीत सिंह, इन दोनों को सेबी का फुल टाइम मेंबर हाल ही में अपॉइंट किया गया है। सेबी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता कि सेबी का मुख्य जो गठन है ये कब किया गया था, तो सेबी का गठन किया गया था 12 अप्रैल 1988, बहुत पूछा जाता है। इस समय अध्यक्ष का नाम कौन है? माधुरी पुरीबुच, मुख्यालय इसका मुंबई में, फुल फॉर्म आप जानते हो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किस भारतीय को विश्व एथलेटिक्स के 4 उपाध्यक्षों में एक के रूप में चुना गया है? अगर आप चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहे तो इस वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी देर मत करना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। तो आंसर इसका हो जाएगा आदिल सुमरीवाला। यहाँ पर आप देख सकते हो AFI चीफ आदिल सुमरीवाला जो है
इलेक्टेड टू वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के प्रथम महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे चुना गया? जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार किसी महिला को चुना जाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी महिला को जब चुना जाता है तो वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये छपा हुआ मिलने वाला है। आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए, परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो परमिंदर चोपड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा परमिंदर चोपड़ा, ठीक है। PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC, ठीक है, स्थापना हुई थी जुलाई 1986 में। अध्यक्ष का नाम है रविंदर सिंह ढिल्लो, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन बनेगा, RBI ने किसे साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा PR से साद्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RBI ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट किसका, PR से साद्री, एस MD एंड CEO ऑफ साउथ इंडियन बैंक, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2023 में SBI ने बैंक के केंद्रीय बोर्ड में कितने निदेशकों, डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया? SBI के SBI के कितने डायरेक्टर्स को हाल ही में अपॉइंट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फोर। फोर तो यहाँ पर देख सकते हैं SBI ने अपॉइंट कर दिया है 4 नए डायरेक्टर को, ठीक है, जिसमें से चारों के नाम देख सकते हो, केतन शिवजी विक्रम, विक्रम से, मृगांक मधुकर, ठीक है, तीसरे का नाम मृगांक मधुकर, परांजपे, राजेश कुमार दुबे, धर्मेंद्र सिंह शेखावत, ये चारों के नाम हैं, ये चारों के नाम हैं, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन बनेगा, किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसको चुना गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, तिवारी, अंशु, सुमित, कंचन, आरती, सदफ खान, तनु सिंह, ठीक है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एज्यूम्स चार्जेस एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके बाद में है श्रेथा थाविसिन को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, और उससे पहले भी इस टाइप का पूछा गया था। तो जो चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जा रही हैं उस पैटर्न से पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। पहले ये देखो पिछले 5 साल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये वही चीज़ें हैं जो एग्जाम में लगातार पूछी जा रही हैं। आंसर इसका हो जाएगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो श्रेथा थाविसन इलेक्टेड थाईलैंड PM, और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, भाषा है थाई, मुद्रा है बहत। क्वेश्चन बनेगा, एमर्सन मगागवा किस देश के दूसरी बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा जिम्बाब्वे, ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे प्रेसिडेंट इमरसन मैंगवा री इलेक्टेड सेकेंड फॉर द 5-year term, जिम्बाब्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC ने किसे हाल ही में अध्यक्ष के रूप में चुना है?
इसका मंथली पीडीएफ, आप जो लोग पेड बैच में हैं उन सभी के पास में इसका मंथली पीडीएफ है, वहाँ से इसको लेकर पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि आरओ के एग्ज़ाम में आखिरी के 6 महीने का करंट अफेयर्स कम से कम पूछता है, और कोशिश करो 8 महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़कर जाना है, कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर्स हमें पढ़कर जाना है। तो आंसर हो जाएगा उमेश रेवनकर, उमेश रेवनकर। इसका फोटो भी देख सकते हो। ठीक है, आज का हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, समिट सेन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, आज हम लोग समिट सेन कॉन्फ्रेंस, देखिए ये टारगेट बेस्ड स्टडी है। मैंने आप सभी से बोला था कि ये दो टॉपिक, क्योंकि अलग अलग टॉपिक हमारा जो पीडीएफ है वो अलग अलग टॉपिक्स मिलकर बनाया गया है, तो हमने आपको दो टॉपिक दिए थे, दोनों टॉपिक आपको याद करके आने थे। एक अपॉइंटमेंट वाला टॉपिक हमने रिवीजन कर लिया है, अब हम लोग एक टॉपिक रिवीजन करने वाले हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इस वाले टॉपिक से कम 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। पिछले 5 साल के पैटर्न को देखो, देखो 3 क्वेश्चन जो है आरओ में समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस से पूछते हैं, जिसमें कि यूपी पीसीएस में अगर आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन तक इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि 5वां वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC किस देश में आयोजित, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इंडिया टू होस्ट वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इन बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये 25 से 28 सितंबर तक बेंगलुरु में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये पहली बार है कि जब इस इवेंट को एशिया में आयोजित किया जा रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप समझो कि जो चीज़ पहली बार हो रही है वो चीज़ तो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, साथ ही साथ में इसका थीम क्या रहेगा, थीम रहेगा सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर, ये इसका थीम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में इस सम्मेलन में टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को शामिल करेगा, जिसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। साथ ही साथ में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर देख सकते हो Top 3 countries बाई कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया, सॉरी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कॉफ़ी के मामले में कौन से 3 सबसे बड़े देश हैं। पहले स्थान पर है कॉफ़ी के मामले में ब्राज़ील, और ये सब कुछ डेटा देखो करंट से रिलेटेड है, ये स्टैटिक वाला पार्ट है, तो ये सब भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हमारे करंट अफेयर्स की खासियत यही है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ में स्टैटिक वाला डेटा भी आपको तैयार होता चल रहा है। दूसरे स्थान पर है कॉफ़ी के मामले में वियतनाम, तीसरे स्थान पर आता है कोलंबिया। ठीक है, साथ ही साथ में अगर इंडिया की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में उगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इंडिया में अगर देखो तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, केरला में सेकेंड, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आता है कॉफ़ी उत्पादन के मामले में। ठीक है, इंडिया का जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि इस पीडीएफ में हम आपको दे देंगे। क्वेश्चन बनेगा, भारत में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर का विलय किस प्रोजेक्ट में कर दिया है। जो हम लोग बहुत बार सुनते थे प्रोजेक्ट टाइगर, अब उसको मर्ज कर दिया गया है, और मर्ज करके क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट हाथी के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट टाइगर को मर्ज कर दिया गया विद प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ में इसको मर्ज कर दिया गया है, और इसके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
ये पॉइंट्स रिमेंबर रखने बहुत ज़रूरी, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्लांट बताओ कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, सभी लोग आंसर बताएंगे, तो आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। ये प्लांट जो है तमिलनाडु में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फॉक्सकन आर्म टू इन्वेस्ट 1600 करोड़ इन तमिलनाडु। ठीक है, अब चूंकि बात तमिलनाडु की चली है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है एमके स्टालिन, राज्यपाल का नाम है आरएन रवि। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लोकसभा सीटों की संख्या 39, राज्यसभा सीटों की संख्या 18, विधानसभा सीटों की संख्या 235। और तमिलनाडु कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, 3, केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, 3 जगह से इसकी सीमा जो है वो टच करती है। ये सब देखो तमिलनाडु के नेशनल पार्क हैं, ये सब भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बनेगा एशियन गेम्स 2023, फुटबॉल एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, चाइना, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना टू होस्ट एशियन गेम्स इन 2023। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है, किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। तो आंसर देखो इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम, ऑप्शन नंबर ए, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, असम, इसका फोटो भी आपको दिखा देते हैं, ये ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल गई कि असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, किस उच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आरक्षित सर्वेक्षण कास्ट बेस्ड सर्वे फिर से शुरू कर, राइट आंसर हो जाएगा पटना हाईकोर्ट। ठीक है, पटना हाईकोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाति पर आधारित सर्वे जो है पटना हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि वो यहाँ पर किया जाएगा। अब बिहार के बारे में बात चली, राज्यपाल का नाम है राजेंद्र अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बना था 22 मार्च 1912 को, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद 75। ये सब कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, इसको इग्नोर नहीं करना है। बिहार देखो कहाँ पर है, यहाँ पर देख सकते हो नेपाल से टच करता है, और बिहार जो है वो सिक्किम से टच नहीं करता, ये पॉइंट याद रखना। ये चीज़ पिछले साल एक बार पूछी गई थी, यूपी पीसीएस के ही किसी एग्जाम में पूछी गई थी। किस राज्य में आदि पेरक्कू उत्सव मनाया जाता है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। देखो आदि पेरक्कू जो है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने एससी एसटी ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों को और अल्पसंख्यकों के संदर्भ में एक संशोधन के लिए पैनल गठित किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन क्या बनेगा, किसे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह उन्मेष और जनजातीय प्रदर्शनी कला उत्कर्ष का उद्घाटन किया है, तो इन दोनों इवेंट का उद्घाटन जो है वो किसने किया है। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं,
दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो आपको और भी ज़्यादा क्लासेस मिलूँ, और भी ज़्यादा क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल फिर से हम एक नया टॉपिक आपको देंगे। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़े हैं वो ध्यान रख लें कि आपको कल एक दूसरा टॉपिक दूंगा और उस दूसरे टॉपिक का भी रिवीजन करवा दूंगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊं वैसे वैसे पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम में आपको मदद मिलेगी, एग्ज़ाम आपका ज़रूर निकलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। जिन लोगों ने अभी भी पेड बैच नहीं ज्वाइन किया है वो मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके हमारा पेड बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।